तो हर बार हर ब्लॉग में हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं ब्लॉग की ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन आज बहुत कुछ स्पेशल है, जैसे कि ये लोकोमोटिव फेयरी क्वीन। तो आज हम लोग ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इस लोकोमोटिव की इन्फॉर्मेशन के साथ। और भाई यकीन मानो काफ़ी बेहतरीन जो है इसकी हिस्ट्री है। तो आइए एक बार हिस्ट्री पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे हम ये एक बेहतरीन यादगार जर्नी #इंडियन खूबसूरत रेलवेज। अब सबसे पहले बात कर लें ये लोकोमोटिव इंडिया में आया कहाँ से। तो इन ईयर 1855 इसको इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया गया, उसके बाद ये पहुँचा कोलकाता, जहाँ पर इसके अराइवल पे इसको एक नंबर दिया गया जो कि था 22। और उसके बाद ये लोकोमोटिव जाना जाने लगा एज ईस्ट इंडियन रेलवे 22 के नाम से भी। और करीब हावड़ा से रानीगंज के बीच इसने 2 साल मेल एक्सप्रेस टाइप की लाइट ट्रेन जो है हॉल करी। उसके बाद बिहार में लाइन कंस्ट्रक्शन ड्यूटी के लिए इसको यूज़ करा जाने लगा, लेकिन ये यूज़ भी जो है 1909 तक ही हुआ। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया और फिर 1997 में इसको दोबारा चलाया गया दिल्ली अलवर के रूट पर। और करीब 1 साल बाद ही इन ईयर 1998 इस लोकोमोटिव को जो है सर्टिफाइड किया गया बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु हेयर एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। तो आज जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक जर्नी करने वाले हैं हम इस फेयरी क्वीन में। तो जो है अब देखते हैं कि कैसा हम लोगों का जो है यहाँ पर भव्य स्वागत होता है, क्योंकि माहौल तो बेहतरीन बनने वाला है और आप और हम साथ में हैं, हम सफ़र साथ में हैं, तो फिर किस बात की चिंता है ना। तो शुरू करते हैं ये एक और हिस्टोरिक जर्नी। तो यहाँ पर आप जैसे पीछे देख रहे हैं फेयरी क्वीन लोकोमोटिव ट्रेन स्टीम एक्सप्रेस बिल्कुल रेडी है यहाँ से डिपार्चर लेने के लिए, और ट्रायल्स वगैरह हो गए हैं, लोकोमोटिव टेस्ट हो गया है, बिल्कुल ओके है चलने के लिए। तो बस थोड़ी देर में ही यहाँ से हम डिपार्चर लेंगे। और लोकोमोटिव की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है करीब 40 किलोमीटर पर आवर की। 2 कोचेस मिलेंगे आपको इसमें, जिसमें एक है पेंट्री और दूसरा कोच जिसमें की कैपेसिटी है पैसेंजर्स की ओनली 60 पैसेंजर्स पर कोच। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पेंट्री कार बताई भाई, वो इस वाले पैकेज में नहीं रहती, वो पहले अलवर वाला जो पैकेज था जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था तो उसमें रहती थी पेंट्री, इस वाले में नहीं है और वो वाला पैकेज जो है बंद भी कर दिया गया है। तो 2 कोचेस हैं, तो चलिए आपको दोनों का एक बार मैं फटाफट इंटीरियर और दिखा दूँ कैसा इंटीरियर है यहाँ पर हमारी फेयरी क्वीन एक्सप्रेस का। तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट कोच के अंदर। तो यहाँ पर लिखा NR नॉर्दर्न रेलवे। यहाँ एंटर करते ही आपको जो है लोकोमोटिव का नज़ारा देखने को मिलेगा और बढ़िया कुशनिंग वगैरह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर टेबल और सिटिंग टाइप जो है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है। इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर मैट वगैरह भी बिछाया गया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में इंटीरियर। तो अब आगे चलें तो टॉयलेट्स और देख लें, क्योंकि भाई जर्नी है टॉयलेट की ज़रूरत तो पड़ती ही है हमको। तो ये रहा टॉयलेट, बढ़िया है ना भाई, मजा आ रहा है ना, अभी तो स्टार्ट है यार। ये रहा साबुन वगैरह सब, लक्स साबुन रखा है कि कौन सा है ये, और टॉयलेट वगैरह भी एकदम साफ, टिश्यू पेपर, पंखा भी है कि गर्मियों में दिक्कत ना आए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कोच की तरफ। तो पहले जैसे ना था अलवर वाले रूट में इसमें पेंट्री के लिए ये दूसरा कोच था, तो यहाँ पर कुछ पेंट्री वगैरह का सामान है। और अब आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर स्टाफ के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, और आगे जो है जनरेटर वगैरह रखा गया है जिससे कि इन कोचेस की इलेक्ट्रिसिटी जो है आती है। ये रहा जनरेटर,
और अब ये आखिरी में है, आप हैं गार्ड केबिन है यहाँ पर छोटा सा, और उसके बाद जैसा फ्रंट में था पहले कोच में उसी की तरह यहाँ पर भी है, और आप यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं पूरा एंड का। अब बारी है दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग लोकोमोटिव अंदर से देखने की, तो चलिए अब देखते हैं अंदर से कैसा है ये फेयरी क्वीन लोकोमोटिव। तो यहाँ पर जो है बस अभी डबल डेकर क्रॉस हो रही है जैसा आप देखें, तो बस अब डबल डेकर क्रॉस करने के बाद टाइम है हमारे यहाँ से डिपार्चर का। तो बस अब सीधे आपसे पक्का मैं डिपार्चर पे मिलूंगा, जब से काफ़ी देर हो गई, लेकिन क्या करें भाई, इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब भी आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे भाई आधी अधूरी आपने जानकारी दी, तो वो नहीं, सब कुछ कम्प्लीट। तो हो गया है और यहाँ पर जो है स्टीम इंजन आगे चल रहा है और यहाँ पर पानी की बौछार आ रही है कुछ स्प्रिंकल टाइप का, काफी बेहतरीन लग रहा है भाई, ये भी चीज अलग ही एक्सपीरियंस है, अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर इसको एक्सपीरियंस करिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये आपके लिए। इस जर्नी के दौरान भी आइए एक रेलवे स्टेशन का स्किप भी देख लेते हैं, और हमारा फेयरी क्वीन काफ़ी बेहतर जो है मज़ा देते हुए, और देखिए आवाज़ भी लगा दी उसने, तो चलिए स्किप भी देखते हैं एक स्टेशन का। एयरपोर्ट का भी नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, जूम करके देखें।
सीट होने के बाद भी एज इट इज़ जैसे और जर्नी में करते हैं भाई, गेट पे निकलती है पूरी जर्नी, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। और ज़्यादा मैंने म्यूज़िक लगाया नहीं क्योंकि जो ये आवाज़ है ना स्टीम लोकोमोटिव की, वो बार बार नहीं मिलती भाई, तो इसलिए बिना म्यूज़िक का ब्लॉग थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है भाई, लेकिन मज़ा लीजिए भाई, छुक 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 का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर जो है बाहर से अगर आप शूट करते हैं, बाहर निकलते हैं गेट से, गेट पे खड़े होके, तो कोयले के कुछ जो है पार्टिकल्स वगैरह उड़ेंगे जो आपकी स्किन पे लग जाएंगे और ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो ये एक चीज़ आपको देखनी है कि वाला आप गेट पे खड़े हो रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि लगेगी आपके मुँह पर, मेरी भी लग गई। तो यहाँ पर अब इस स्टेशन पर, इस रेलवे स्टेशन पर इस स्टीम लोकोमोटिव की जो है फ्यूल भरा जाएगा, जो कि इसका फ्यूल है पानी, तो पानी भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे फ्यूल भरा जा रहा है इस स्टीम लोकोमोटिव में। तो चलिए अब फ्यूलिंग तो हो गई है और अब हम बिल्कुल तैयार हैं डिपार्चर के लिए। चलिए डिपार्चर देखते हैं अब यहाँ से। जो है इस स्टीम ट्रेन में हम दो ही पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, एक तो मैं और मेरे साथ एक दीदी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या व्यू है इस ट्रेन को लेकर। वैसे तो पैसेंजर्स ही नहीं है तो अब इनसे ही व्यू ले लेते हैं कैसा क्या है। बताइए। मेरा नाम नंदिता है और मैं पहली बार इस ट्रेन पे चढ़ी हूँ। जैसा कि आपने बताया हम दो ही हैं पैसेंजर्स। ट्रेन तो बहुत ही सुंदर है और ये एक मौका है हम जैसे लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री और विंटेज के बारे में अच्छा लगता है पढ़ना, देखना, एक्सपीरियंस करना, ये अनुभव बहुत ही अच्छा है। पर आई थिंक IRCTC को, रेलवेज़ को इसको और अच्छी तरह से एडवर्टाइज़ करना चाहिए। IRCTC की ऐप पे नहीं है ना? नहीं, ऐप पे बिल्कुल नहीं है, टूरिज्म पे है। टूरिज्म पे है पर उसमें भी जैसे मैंने दो दिन पहले ट्राई किया और भी कुछ फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी लेके आओ, लेकिन उसमें ये डेट ही नहीं था। अब मार्च का डेट जबकि खाली ट्रेन है और आई थिंक थोड़ी और सी सुविधाएं, जैसे अगर ये पैंट्री होता या कुछ ऑन परचेज ऑन बोर्ड भी होता तो अच्छा रहता, कुछ सुविनियर्स होते हैं, बट अदरवाइज स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर के उन्होंने हमें दिखाया ये ट्रेन के बारे में, बताया भी है ट्रेन के बारे में। ट्रेन से नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है, ये जो लाउंज है ये बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही रिलैक्सिंग जर्नी है। AC फर्स्ट क्लास जैसा जो है केबिन मिल जाएगा जिसमें अभी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, और स्टाफ मतलब इतना अच्छा है कि आप जैसे ब्लॉगर हैं या आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे और ट्रेन में आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है कि परमिशन एंड ऑल, तो वो सब इसमें नहीं आएगी, बहुत आराम से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, एकदम फ्रीली भी देते हैं। बहुत कंफर्टेबल हमें फील कराया, बताया सारे स्टॉप्स के बारे में भी बताया, फोटो वोटो खींचने के लिए भी कोई मनाही नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी हिस्ट्री को जानने का, रेलवेज़ की हिस्ट्री को जानने का और एक उसका अनुभव लेने का, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अनुभव है आज। बस ये है कि जो अमाउंट है, जो टिकट अमाउंट है, उसमें कुछ ब्रेकफास्ट समथिंग कुछ ऐड हो जाता तो और बढ़िया रहता, क्योंकि जर्नी क्या थोड़ी सी बोर भी हो जाती है कभी कभी ऐसी ट्रेन्स में, क्योंकि धीमे धीमे चलती है ना, इसलिए तो बस वो एक थोड़ी सी कमी रह गई, बाकी बहुत बढ़िया ट्रेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स दे दूं एक बार कि कैसे बुक करना है, क्या शेड्यूल है और कैसे आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपको बता दूं ये IRCTC टूरिज्म वाली साइट से जो है बुक करी जाएगी
और ये ट्रेन चलती है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच हर सेकंड सैटरडे को, और इसकी जो कॉस्ट आएगी ये चलती है दिल्ली रेवाड़ी और रेवाड़ी से वापस दिल्ली। राउंड ट्रिप लेंगे तो एक एडल्ट का आपको चार्ज पड़ेगा 6,800, और अगर आप वन वे ट्रिप लेंगे जैसे कि मैं ले रहा हूँ आज दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, तो वो है 3,400 रुपये। और अगर बात करें टाइमिंग्स की तो आपको बता दूं ये ट्रेन जो है दिल्ली के कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से जाती है जिसका स्टेशन कोड है DEC, और यहाँ पर आपको 9:30 बजे आके रिपोर्टिंग करना है करीब डिपार्चर के एक घंटे पहले, और 10:30 बजे जो है ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी और 1 बजे के लगभग हम पहुँच जाएंगे रेवाड़ी। उसके बाद 4 बजे करीब वहाँ से वापस डिपार्ट होती है रेवाड़ी से दिल्ली के लिए, और 6 बजे के लगभग हम पहुँच जाएंगे वापस दिल्ली कैंट। और जो मैंने आपको फेयर बताया उसमें स्टीम लोको शेड जो रेवाड़ी में है उसका जो है फेयर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आप बस यहाँ से जाइए और उसके बाद उस हेरिटेज म्यूजियम का भी मज़ा लीजिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग जो है उसी का आने वाला है। तो ये आ गए हम रेवाड़ी जंक्शन, स्टेशन कोड है RE। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है इस जर्नी के दौरान, जैसे आप राउंड ट्रिप लेते हैं तो रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में भी इसमें जो है डीजल लोकोमोटिव लगाया जाए और स्टीम लोकोमोटिव का आप मज़ा ना ले पाए, तो आप देख लीजिए जो भी जैसा भी हो, और मैंने प्राइसेस आपको बताई थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में। और कैसा लगा है ये ब्लॉग, कुछ स्पेशल था कमेंट में ज़रूर बताएं। वो मिलते ही रहते हैं भाई किसी ना किसी जर्नी में, और इंस्टाग्राम पे नहीं आए अभी तक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आ जाइए ट्रेन लवर्स HY Insta ID, वहाँ भी बातचीत होती रहेगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, एंड कमेंट में बिल्कुल मत बताना भूलना भाई कैसा लगा है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज Himanshu saying bye from Rewari Junction।